चंद्रशेखर आझाद लातूरमध्ये येऊन पहा फक्त महावाईस न्यूजवर. भीम आर्मीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद हे सध्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर असून बुधवारी ते लातूर येथील युवा भीम सेनेच्या अधिवेशनामध्ये उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार होते. मात्र ऐनवेळी पोलिसांनी परवानगी नाकारली तेव्हा कार्यकर्त्यांनी ते थांबलेल्या हॉटेलसमोर गर्दी केली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की मी या देशाचा नागरिक आहे, हा देश संविधानावर चालतो, मात्र भाजप सरकार एखाद्या आतंकवाद्यासारखी वागणूक देते, त्यामुळे मी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. किशोर सोनकांबळे, लातूर. यहाँ जो संविधान को तोड़ मरोड़ने की संविधान कुचलने की जो नीति चल रही है उसके खिलाफ आगे का प्लान अब अभी हम लोग नांदेड़ जाएंगे. नांदेड़ जो है नांदेड़ साहिब में मत्था टेकेंगे, उसके बाद अमरावती हमारी रैली वहां जाएंगे. अमरावती रैली की परमिशन है. मुझे अभी इतना ये भी भरोसा लग रहा है इनकी हरकतें देख के कि ये वहां भी संविधान को चलने के लिए जो तैयारी होगी, परमिशन होगी, उस परमिशन को हो सकता है रात में कल कैंसिल कर दे. तो ये तो महसूस हो गया कि सरकार बहुत डरती है, और डरती है सिर्फ एक ही उससे, अम्बेडकर वाद से. बाबा साहब की बात से, बाबा साहब से पहले भी डरते थे, अब उनके संविधान से डरते थे. लेकिन जो मैं बात करता हूँ उससे समाज एकजुट जरूर होता है. मैं 85% बहुजनों की बात करता हूँ और पूरे देश में काम करता हूँ. ऐसा अलग नहीं कि महाराष्ट्र में कुछ अलग कहने वाला. मैं कल भीमा कोरेगांव भी गया था जिसके लिए रोका जा रहा था. संविधान की बड़ी जीत हुई, मुझे भीमा कोरेगांव जाने को मिला. और मैंने क्या अपराध किया वहाँ आप सब लोगों ने देखा होगा, मीडिया को पता लग गया होगा. तो बस फर्क इतना है कि ये लोग चाहते हैं कि लोगों की आवाज उनके लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए दबाया जा रहा है. पुलिस वालों का कह रहा है कि 4 तारीख तक आपको हाईकोर्ट ने परमिट नहीं किया है तो कोई भी रैली कर. वो आदेश दिखा दे पुलिस, ये आदेश पुलिस ही पारित करती है सरकार के इशारे पे. और जो लोग ये करा रहे हैं वो लोग ये ध्यान रखें, लोकतंत्र है, ये सरकारें बदलती रहती है, सरकारी कुर्सी बदलती रहती है. जिस दिन ये कुर्सी बदली तो इन्हें बड़ी तकलीफ होने वाली. आप सरकार के? मैं एक भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ. मुझे महाराष्ट्र आके पता लगा है कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ. और मैं अपराधी इसलिए हूँ क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ. और यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि यहाँ का ये प्रदेश जो है वो संविधान से चले, तो इसलिए बार बार मेरी आवाज को दबाया जा रहा है. ये किसी भी सूरत में इंडिया में तो नहीं होना चाहिए. इंडिया में लोकतंत्र है, ये देश संविधान चलता है. और इतनी जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हर 20 किलोमीटर पर यहाँ खान पान बदल जाता है, भाषा बदल जाती है. उसके बावजूद जो घोषित इमरजेंसी यहाँ देखने को मिल गई ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं. तो क्या ये सर इतना, ये सरकार इतना क्यों डरी हुई है? तो इसके लिए मैं भी बड़ा वो जानने के लिए, क्योंकि ऐसा क्या हुआ है कि लोकतंत्र में किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो आर्टिकल 19A है कि अपनी बात रखने की आज़ादी जो है वो भी खत्म कर दी गई है. बड़ी दुख की बात है. ऐसी क्या